जनपद में बहने वाली तीनों नदियां घाघरा, रोहिन और राप्ती के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन राप्ती नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को राप्ती नदी वर्ड घाट पर सुबह 8 बजे 48 सेंटीमीटर ऊपर तो शाम 4 बजे 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। वहीं रोहिन और घाघरा नदी खतरे के निशान बिंदु से नीचे पहुंच गई है, जिसके संबंध में आपदा प्रबंधक गौतम गुप्ता ने बताया कि नदियों के जलस्तर में काफी तेजी से गिरावट हो रही है। राप्ती नदी भी जल्द ही रेड लाइन से नीचे आ जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वहां पर जो भी नाव लगाई गई है अभी संचालित है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राशन किट का वितरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अभी तक लगभग 83,000 से अधिक बाढ़ राहत राशन किटों का वितरण किया जा चुका है। गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में कहीं से भी आपातकाल की सूचना नहीं आ रही है तथा नदियों के जलस्तर कम होने से फैली गंदगी पर सफाई कर्मियों को लगाने के निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा प्रबंधक गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए इस समय जो तमीज तहसीलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अब काफ़ी पानी भी काफ़ी तेज़ी से नीचे रिसीट कर रहा है। राप्ती भी काफ़ी नीचे आ चुकी है और जल्द ही वो अपने डेंजर लेवल से भी नीचे आ जाएगी। कुछ क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, तो जहां पर हम लोगों ने अभी एहतियातन जो नावें लगाई हैं वो अभी संचालित है, वहां अभी नावें क्रियाशील रखी गई हैं। जहां पर से मोटर बोट की आवश्यकता ख़त्म हो गई है या जहाँ से अन्य नावों की आवश्यकता ख़त्म हो गई है वहाँ से नावों को विड्रॉ किया जा रहा है। हालाँकि वो नावें स्थानीय स्तर पर बनी रहेंगी, यदि आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो पुनः उसका प्रयोग किया जा सकता है। और लगातार खाद्यान्न किट का वितरण भी किया जा रहा है। लगभग आज हमारे वहाँ 83,000 प्लस खाद्यान्न किट वितरित किया जा चुका है और भी किट जैसी मांग उत्पन्न हो रही है उस अनुसार जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति से उसको वितरित किया जा रहा है और कहीं पर भी कोई इस तरह की अप्रिय सूचना नहीं प्राप्त हुई है जिससे कि कोई एक मतलब आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो। और नदियों के घटने से ये है कि थोड़ा जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था हेतु निर्देश दिए गए हैं और वहाँ पर समुचित दवाओं का छिड़काव और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ पर लगातार भ्रमण कर रही है और सभी लोगों को सूचित भी कर रही है। तो इस प्रकार से अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है और जैसा भी कहीं आगे जो सूचना प्राप्त होगी उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी।